अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी और मैं हूं आपके साथ जिया। मेरठ पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और नसीमुद्दीन सिद्दीकी। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा में आगमन को लेकर नेता मेरठ आए हैं। इस दौरान नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इस वक्त देश के मौजूदा हालात बद से बदतर हैं। महंगाई है, बेरोजगारी है, व्यापार नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, किसान परेशान हैं। जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ये सारी शिकायतें सरकार के सामने रखी तो सरकार ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने पदयात्रा निकालने का निर्णय लिया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा निकालकर राहुल गांधी जनता के हर सुख दुख में शामिल हो रहे हैं। यह पदयात्रा दिल्ली पहुंच चुकी है और 3 जनवरी को यूपी के गाजियाबाद जिले के लोनी बॉर्डर पर एंटर होगी। सुनिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा। आज जो आने का उद्देश्य है, आज जो आने का मकसद है, आप लोगों को जो तकलीफ दी है वो ये है कि आपको मालूम है कि देश के जो हालात हैं वो बद से बदतर हैं और जब महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी मुंहबाए खड़ी हुई है, किसान त्राही त्राही कर रहा है, गन्ना किसान आत्महत्या करने के लिए तैयार है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, व्यापार खत्म है, देश को बेचा जा रहा है, और जब ये सारी बातें हमारी पार्टी के विधायकों ने जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ विधानसभा में, विधान परिषद में, और हमारी पार्टी के सांसदों ने राज्यसभा और लोकसभा में जब ये बात रखी, यहाँ तक कि राहुल गांधी जी ने, हमारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने जब ये बात रखी तो सरकार ने वहाँ बात सुनने से मना कर दिया। तब मजबूरी में कांग्रेस पार्टी ने एक फैसला लिया कि हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक माननीय राहुल गांधी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में एक पदयात्रा निकालेंगे और पैरों पैरों चल करके जनता के बीच में जाएंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे, उनके हर दुख को निवारण के लिए हम अपना सहयोग देंगे। और जो एक साजिश की जा रही है, भारत को तोड़ने की साजिश की जा रही है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, वर्ग के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम पे एक खाई पैदा की जा रही, भारत को विखंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इसलिए हम भारत को एक करने के लिए, भारत को जोड़ने के लिए पदयात्रा निकालेंगे। तो उसी क्रम में माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से पदयात्रा प्रारंभ की गई थी, जो 24 तारीख को विभिन्न प्रांतों से होते हुए, डिटेल मानी हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे, तो विभिन्न प्रांतों से होते हुए 24 तारीख को दिल्ली में प्रवेश किया है। और उस पदयात्रा को जो मानी राहुल जी के नेतृत्व में चल रही है, उस पदयात्रा को 3 तारीख को यानी 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद ज़िले के लोनी बॉर्डर में गोकुलपुरी चौक से इंटर होना है। वो हमारे प्रदेश में यात्रा आएगी, दिल्ली प्रदेश के लोग हमारे प्रदेश के, दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हमारे प्रदेश के अध्यक्ष को वो राष्ट्रीय ध्वज सौंपेंगे। इसके बाद वो यात्रा 3 तारीख को पैदल चलते हुए गाजियाबाद के लोनी को क्रॉस करते हुए फिर हम बागपत ज़िले में गुफा के हनुमान जी का एक मंदिर है वहाँ पर रात का पड़ाव करेंगे। इसके बाद 4 तारीख को सुबह को हम वहाँ से फिर पदयात्रा शुरू करेंगे और बागपत बड़ौत होते हुए ये शामली ज़िले में एक गांव है एलन गांव में रात को हम प्रवास करेंगे। और इसके बाद रात को 4 तारीख को प्रवास करने के बाद 5 तारीख की सुबह फिर वो यात्रा शुरू होगी और लगभग 27 किलोमीटर चल करके हम कैराना से होते हुए हमारी ये यात्रा हरियाणा प्रांत में दाखिल होगी, ये सोनीपत ज़िले में। तो हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष को
हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पीसीसी के अध्यक्ष झंडा और राष्ट्रीय ध्वज सौंप करके हम लोग वहाँ विदा करके आएंगे। और इसके आपको पता है कि इसके समर्थन में अभी उत्तर प्रदेश में माननीय राहुल गांधी जी ने जो पदयात्रा निकाली है, राष्ट्रीय पदयात्रा निकाली है, जिसमें वो लगभग 2800 किलोमीटर चल चुके हैं। तो इस पदयात्रा के से प्रेरणा लेकर के अभी हम लोगों ने पूरे उत्तर प्रदेश में 6 जगहों से पदयात्राएँ निकाली और हर ज़िले में हमारी पदयात्रा गई। मेरठ में भी आपके पदयात्रा चली, अब आपके सामने है वो पदयात्रा की क्या स्थिति, आप लोग बेहतर जानते हैं। जब बढ़ते कोरोना केसेस को लेकर सलमान खुर्शीद से सवाल किया गया तो उन्होंने ये जवाब दिया। भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और अगर हम बात करें कोरोना की लहर दिखाई दे रही है शुक्रिया। तो क्या भारत छोड़ो यात्रा कोरोना मुक्त साबित नहीं होगी? शुक्रिया। अगर आप लोग सब इस वक्त आप लोग सब अगर मास्क लगा के आते और मुझसे ये सवाल पूछे तो मैं शर्मिंदा हो जाता। लेकिन आपने सवाल ही है, एक बार पूरी जवाब सुन लीजिए, पूरा सुना कीजिए। लेकिन जब आप ही नहीं उनकी बात मान रहे हैं तो मैं क्यों उनकी बात मानूं? जब पत्रकार बंधु ही बात नहीं मान रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तो मैं क्यों मानूं? लेकिन तब भी कह देता हूँ जिसने मास्क लगाया है यहाँ, मैं उसको बधाई देता हूँ और आपके शुभ चरणों पर और लोग भी चलें। मैं भी ये प्रार्थना करता हूँ। लेकिन अगर साइंटिफिक प्रोटोकॉल आएगा तो हम उसका पालन करेंगे। साइंटिफिक प्रोटोकॉल आ गया तो मुझे आप दे दीजिए, आप सूचना सब लोगों को देते हैं, मुझे भी दे दीजिए कि साइंटिफिक प्रोटोकॉल आ गया है। इस दौरान जब सलमान खुर्शीद से 2024 के इलेक्शन को लेकर सवाल किया तो उन्होंने यह जवाब दिया। भारत छोड़ो यात्रा का स्वागत करते हैं, अब 2024 का क्या सिनेरियो देख रहे हैं? देखिए 2024 में अभी समय है। अगर इस देश को बचाना है तो सब लोगों को साथ आना होगा। उनकी अगुवाई कौन करेगा, उसका लीडर कौन होगा, ये सारी बातें नेता आपस में बैठकर तय करें और तब जनता उनके साथ चले तो फिर देश का कल्याण हो सकता है, ये हमारा मानना है। लेकिन आने दीजिए, समय आने दीजिए। शूर भी कहा जा रहा है, राहुल भी को राम के समान कहा जा रहा है, आधार क्या है? अरे आप भगवान की पूजा करती हैं? आधार क्या है? मैं तो आपसे नहीं पूछता है भगवान की पूजा आप क्यों करती हैं। आस्था होती है, विश्वास होता है, उसको आप देखते हैं कि सब लोगों का विश्वास है और उसको देखते हुए आप ये निर्णय लेती हैं कि ये भगवान का रूप है या भगवान है या भगवान से हमारी आस्था जुड़ी है। तो ये बात राजनीति में नहीं लानी चाहिए, ये एक निजी व्यक्ति का अपना। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को यात्रा में जुड़ने के लिए आमंत्रित किया। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। यादगार पलों का मनमोहक साक्षी, नवयुगल की नई और पहली चॉइस, बेस्ट वेन्यू फॉर एवरी ओकेजन, डेस्टिनेशन वेडिंग, एलिगेंट डिजाइन एंड एक्सप्रेसिव डेकोर, एक्सपीरियंस विद लग्जरी, ला फ्लोरा गढ़ रोड मेरठ।